नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। अल ने कहा, मीन सन्नति को लेकर मीरापुर क्षेत्र में हुई मीटिंग का आयोजन हुआ, जिसमें मुझेड़ा, संभलेड़ा और चांसठ में हुई तहरीक कुरैश। अल ने कहा, मीन सन्नति के बैनर के साथ कुरैश बिरादरी के लिए मुनाकिद आयोजन में मीरापुर के लोगों ने यकीनन जिस जिंदा दिली और गर्मजोशी से स्वागत किया, वो काबिल तारीफ है। खासतौर पर चेयरमैन जीशान शिबली ने जिस परिपक्वता के साथ माहौल बनाए रखा और यूनुस सलीम साहब ने जिस खूबसूरत अंदाज में प्रोग्राम को बांधे रखा और वहां के लोगों ने आखिर तक बाहर से आए मेहमानों को सुना और सराहा, तमाम मीरापुर के लोगों ने अपने जिंदा कौम होने का सबूत पेश किया। इस दौरान मोहम्मद आजाद ककरोली, हाजी खुर्शीद झिंझाना, नवाब कैराना, यूनुस सलीम, शहजाद बसी, जीशान शिवली मीरापुर, इकरार तावली, हाजी अमीन बिलासपुर, हाजी हनीफ लोहारी, आरिफ शाहपुर आदि मौजूद रहे। गुजारिश लेकर आपके बीच आए हैं कि जिस तरीके से हमारी बिरादरी आज मुसीबत में मुब्तला, उसे किस तरह से इस मुसीबत से निकाला जाए, इसमें आप भी गौर फिक्र हैं और हमारे जो जिम्मेदार साथी आए हुए हैं वो भी इसमें लगे हुए हैं। इनकी बातों को सुने और बहुत ध्यान से सुने और उसका अमल। बातें क्या है मैं आपको बता दूँ, दो तीन चीज़ों को उसमें डालना चाहता हूँ और दीगर हजरात आपको बताएंगे। सबसे ज्यादा बिगाड़ जो है वो आज सिर्फ और सिर्फ शादी है। इसी मामले को उठाकर देख लो आप, जब आप उसका निचोड़ निकालेंगे तो मामला जो है वो सिर्फ शादी में आकर हो जाएगा, बेवजह हुजूर कच्ची वाली शादी और दूसरों की हिर्स करके अपने आप को कर्ज में मुबतला करके कर्ज में दबा के जो हम शादियां करते हैं उससे बहुत ज्यादा बिगाड़ है। मान लो मसलन नेट के जरिए, गूगल के जरिए, यूट्यूब के जरिए बहुत सारी खुराफात कर रहे हैं जिससे माहौल खराब हो रहा और उसका अंजाम जो है घर वालों के साथ साथ मोहल्ले वालों पे, बस्ती वालों पे, कस्बे वालों पे, गांव के पूरे सब पे इसका अंजाम मुबतला हो रहा है। कोई ये ना समझे कि भाई हम उस अंजाम में मुबतला नहीं है। तो गुजारिश सबसे ये है कि आप किसी की हिरस ना करें, दिखावा ना करें, जैसा जिसका मौका हो अपने बच्चों की शादियां टाइम पे करते हैं मालिक होते हैं। दूसरी बात, जब आप टाइम पे शादी करोगे जैसा आपका जुगाड़ होगा, जैसा मौका होगा आपका वक्त में आप शादियां कर दोगे तो अजाब से भी बचोगे, फर्ज से भी बचोगे और दूसरी चीजों से जो आपका पैसा बचेगा बुजुर्ग बच्ची से वो आप अपने बच्चों की पढ़ाई में, अपने बच्चों के मुस्तकबिल में, अपने बच्चों को प्रॉपर्टी लेके देने में इनमें ध्यान लगाएंगे और आपको बहुत सहूलियत है। तो इंशाल्लाह सबसे गुजारिश है आप इस ओर ध्यान देंगे, अमल करेंगे, इंशाल्लाह हम भी इस पर अमल करेंगे और सभी से गुजारिश है कि इस तरफ ध्यान दें। दूसरी बात, अब हुजूर खर्ची में क्या क्या आता है, हुजूर खर्ची में मान लो जैसे हमारे वक्त हो चला है आप सविता लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर, तेज असर।